नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉग रूम में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बारे में, जो कि आईपीसी के सेक्शन 319 से लेकर 338 तक कवर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि हर्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है सिंपल हर्ट। दोस्तों वैसे हर्ट का जो सेक्शन है, जो पार्ट है, वो सेक्शन 319 से लेकर 338 तक कवर होता है। तो हर्ट में हम कवर करेंगे सेक्शन 319, 321, 323 और 324। वहीं अगर हम बात करें दूसरे टाइप ऑफ हर्ट की, तो इसको हम कहते हैं ग्रीवियस हर्ट, जिसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 320, 322, 325 और 326 को। और इसको हम इसी फॉर्मेट में, यानी कि 319, 321, 323 और 324, फिर 320, 22, 325 और 326 इस फॉर्मेट में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हर्ट, यानी कि सेक्शन 319 से। सेक्शन 319 बात करता है सिंपल हर्ट की, जो बताता है हूएवर कॉजेज बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बॉडीली पेन करता है, उसको कोई रोग यानी कि डिजीज़ देता है या इन्फर्मिटी देता है, तो ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने हर्ट किया है। यानी कि हर्ट की जो डेफिनेशन है वो बताई गई है इस सेक्शन में। बात करते हैं अगले सेक्शन की, यानी कि सेक्शन 321 की, जो बात करता है वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट। अब वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताई गई इस सेक्शन में। यानी कि हूएवर, अगर कोई भी व्यक्ति किसी को हर्ट करता है, और हर्ट कैसे, विद नॉलेज, यानी कि उसे इस बात की नॉलेज है कि अगर वो ये एक्ट करेगा तो इस एक्ट से सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो जाएगा, तो उसको हम वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट कहेंगे। दोस्तों 319 में पढ़ी हमने हर्ट की डेफिनेशन और 321 में पढ़ी हमने वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट की डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम सेक्शन 323, जो बात करता है पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट। हमने हर्ट समझा, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट समझा, इसमें बात करते हैं उसकी पनिशमेंट की। यानी कि अगर कोई व्यक्ति वॉलेंटरली किसी को हर्ट कॉज करता है या हर्ट करता है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। तो दोस्तों सेक्शन 323 के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति किसी को वॉलेंटरली हर्ट करता है, तो वह व्यक्ति ऐसी सज़ा का हकदार होगा जिसमें उसे एक साल तक की कारावास यानी कि इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर फाइन जो कि 1000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर दोनों से दंडित होगा। यानी कि दोस्तों इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, और विद बोथ। अब चलते हैं अगले सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 324, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट बाई डेंजरस वेपन्स और मीन्स। यानी कि हमने बात करी 323 में जो सिंपल पनिशमेंट बताता है वॉलेंटरली हर्ट की, और बात करें सेक्शन 324 की, तो ये बताता है अगर कोई व्यक्ति किसी डेंजरस वेपन से किसी व्यक्ति को वॉलेंटरली हर्ट करता है, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। तो दोस्तों ये बात करता है हूएवर, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वॉलेंटरली हर्ट करता है ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट से। अब कुछ लोगों के मन में, दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर डेंजरस वेपन कौन कौन से वेपन है, तो इस सेक्शन में उन वेपन्स के बारे में भी बताया है कि किन किन वेपन्स को हम डेंजरस वेपन मानेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है किसी को हर्ट करने के लिए, जिससे शूट किया जाता है, स्टैब किया जाता है, या कटिंग की जाती है, यानी कि कोई धारदार हथियार, या फिर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसको डेथ करने के लिए, मृत्युकारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या उससे मृत्युकारित हो सकती है, या फिर बाय मीन्स ऑफ वायर, यानी कि फायर को भी यहाँ पर डेंजरस वेपन माना गया है, बाय मीन्स ऑफ पॉइजन, यानी कि जहर को भी डेंजरस वेपन बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति जहर देकर किसी को वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट करता है, तो वो भी इसी सेक्शन में आएगा, बाय एक्सक्लूसिव सब्सटेंस, यानी कि विस्फोटक पदार्थ को भी इस कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर कोई व्यक्ति इन सारे इंस्ट्रूमेंट में से किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट या दो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके किसी को वॉलेंटरी हर्ट करता है,
तो वो आएगा इस सेक्शन के अंडर। और साथ के साथ इसी सेक्शन में उसकी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो ऐसी हरकत करता है वो पनिश किया जाएगा, जिसकी सज़ा ये कहें जिसका कारावास 3 साल तक का हो सकता है, या फिर फाइन जो डिफाइन नहीं किया हुआ, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों हर्ट वाला चैप्टर होता है यहाँ पर समाप्त। 319, 321, 323 और 324 हमने समझे बहुत ही इजी तरीके से। अब हम बात करते हैं ग्रीवियस हर्ट की, और हम साथ के साथ ये भी बताएंगे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और साथ ही साथ ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट के बारे में भी आपको बताते चलेंगे। तो शुरू करते हैं सेक्शन 320 से। सेक्शन 320 यानी कि 320 जो बताता है ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन के बारे में, और ये कहता है द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली आर डिजिग्नेटेड एज ग्रीवियस हर्ट, यानी कि कुछ ही तरह के हर्ट को हमने ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में रखा है जो उन कंडीशन को फुलफिल करेंगे जो कि सेक्शन 320 में बताई गई हैं। यानी कि अगर सिंपल हर्ट इन कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो सिंपल हर्ट न रहकर ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ कंडीशन बताई गई हैं, बात करते हैं इन कंडीशंस की। तो इसमें पहला पॉइंट है इमैस्कुलेशन, यानी कि ऐसा किसी का एक्ट जिससे सामने वाला निर्बल हो जाए या इनकैपेबल हो जाए किसी काम को करने के लिए, तो उसको हम ग्रीवियस हर्ट मानेंगे। सेकंड पॉइंट है परमानेंट प्राइवेटेशन ऑफ द साइट ऑफ एदर आई, यानी कि किसी भी एक आँख का उसकी साइट ख़त्म कर देना परमानेंट, ये कहें कि उसे एक आँख से दिखना बंद हो जाए या फिर दोनों आँख से दिखना बंद हो जाए तो भी इसी कैटेगरी में आएगा। थर्ड पॉइंट है परमानेंट प्राइवेटेशन ऑफ द हेयरिंग ऑफ एदर एयर, यानी कि किसी भी कान का परमानेंट सुनना बंद हो जाए। प्राइवेटेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यानी कि बॉडी के किसी भी जॉइंट का। अब दोस्तों आप लोग में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मेंबर यहाँ पर शब्द यूज़ करा गया, वो मेंबर किसके लिए यूज़ किया गया है, तो हम आप लोगों को बता दें कि जो मेंबर है यहाँ पर यानी कि बॉडी के पार्ट की बात कर रहा है, कि अगर बॉडी का कोई भी पार्ट या कोई भी जॉइंट प्राइवेटेशन हो जाए यानी कि इनकैपेबल हो जाए किसी काम को करने के लिए तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, उसको भी हम ग्रीवियस हर्ट मानेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट का या किसी भी जॉइंट का परमानेंट पावर इम्पेयर कर देना, वो भी ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो किसी के हेड या फेस के परमानेंट फिगर चेंज कर देना। अब आप सोच रहे होंगे परमानेंट फिगर चेंज कैसे होता है, दोस्तों समझ लीजिए कि अगर किसी के सर पे ऐसी चोट मारी कि उसका कान कट जाए, या उसके फेस पे ऐसी चोट मारी कि उसके निशान बन जाए, खरोंच आ जाए या वो लग जाए, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, उसको भी हम ग्रीवियस हर्ट मानेंगे। बात करते हैं अगले पॉइंट की फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ ए बोन और टूथ। दोस्तों किसी को फ्रैक्चर करना या उसका कोई भी दांत तोड़ देना, डिसलोकेट कर देना, वो भी ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। हम यहाँ पर आपको एक डाउट क्लियर करते हैं कि अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मारा तो वो हर्ट है, पर उस थप्पड़ से अगर किसी का दांत टूट गया तो वो ग्रीवियस हर्ट है। या फिर ऐसी कोई भी इंजरी जिससे जो सामने वाला व्यक्ति है वो 20 डेज के लिए उसकी बॉडी जो है वो पेन में है, या ऐसा कोई एक्ट कर देना जिससे उसका जो ऑर्डिनरी परस्यूट है, ऑर्डिनरी जो वर्क है वो करने में वो अनेबल हो जाए, तो वो भी वो ग्रीवियस हर्ट ही माना जाएगा। अब दोस्तों आप लोग इसमें थोड़ा सा डाउटफुल होंगे, मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ कि किसी ने किसी को इतना मारा कि ना तो उसका दांत टूटा, ना उसकी आँख खराब हुई, ना डिसलोकेशन हुई, ना कुछ हुआ, पर उसकी बॉडी में इतना पेन है कि वो 20 दिन से ऊपर हॉस्पिटलाइज हो गया, तो भी वो ग्रीवियस हर्ट में आएगा। तो सेक्शन 320 बताता है ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन, और साथ साथ वो भी बताता है कि आखिर वो कौन से एक्ट हैं जो हर्ट ना होकर ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 322 वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वॉलंटरली हर्ट करता है और वो ये जानता है, उसे इस बात की इंटेंशन है कि जो वो एक्ट करने वाला है, उसे इस बात की जानकारी है कि जो वो एक्ट करने वाला है उससे ग्रीवियस हर्ट होने की आशंका है, चांसेस हैं उसको ग्रीवियस हर्ट होने के, और फिर भी वो एक्ट करता है, तो ये कहा जाएगा कि उसने वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट किया है। दोस्तों साथ साथ इसमें मैं आपको एक डाउट और क्लियर करता हूँ कि हमने ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी ऊपर बताई है कि कौन कौन से एक्ट जो हैं वो ग्रीवियस हर्ट मानेंगे,
और कोई व्यक्ति उसे पता है कि फलाना एक्ट करने से सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा और वो एक्ट ना होकर दूसरा ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट ही माना जाएगा। इस डाउट को हम क्लियर करते हैं आपको एक एग्जांपल से। मान लीजिए ए नामक एक व्यक्ति है जिसका इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है कि वो जेड का फेस जो है वो डिसफिगर करेगा, डिसफिगर यानी कि उसमें कोई ना कोई चोट मारेगा। ये सोचकर वो जेड पर चोट करता है, पर इससे जेड के जो है वो फेस डिसफिगर नहीं होता, उसको बॉडीली पेन होता है। बॉडीली पेन कैसा दोस्तों, कि वो 20 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर जो इंटेंशन थी ए की और जो नॉलेज थी वो एक ग्रीवियस हर्ट करने की थी, यानी कि उसका फेस जो था डिसफिगर करने की थी, पर हो जाता है दूसरा ग्रीवियस हर्ट, तो ए का ये जो एक्ट था ये भी ग्रीवियस हर्ट ही माना जाएगा। ये बताने का प्रयास किया है हमने इस एग्जांपल से। अब बात करते हैं हम अगले सेक्शन यानी कि सेक्शन 325 की, पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। यानी कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति वॉलेंटरीली किसी को ग्रीवियस हर्ट करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। तो अगर कोई व्यक्ति वॉलेंटरीली किसी को ग्रीवियस हर्ट करता है, ग्रीवियस हर्ट हमने बताया 320 में कि कौन कौन से हर्ट जो है वो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएंगे, तो अगर कोई व्यक्ति ग्रीवियस हर्ट करता है किसी व्यक्ति को तो वो व्यक्ति पनिश किया जाएगा, जिसमें कारावास होगा 7 साल तक की सज़ा और साथ के साथ फाइन भी होगा। दोस्तों में फ़ाइन जो है वो डिसाइड नहीं किया गया, पर 7 साल सज़ा एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब बात करते हैं सेक्शन 326 की, वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाई डेंजरस वेपन और मीन्स। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी डेंजरस वेपन से किसी को वॉलेंटरली ग्रीवियस हर्ट करता है तो वो आएगा इस कैटेगरी में, और साथ के साथ उसकी पनिशमेंट के प्रोविज़न भी बताए गए इसी सेक्शन के अंदर। दोस्तों हमने डेंजरस वेपन की अगर हम बात करें तो हमने पीछे पढ़ा सेक्शन 324 में कि डेंजरस वेपन कौन कौन से हैं, उनको कैटेगराइज करा हमने। हम इसमें बताते हैं सीधे कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वॉलेंटरीली ग्रीवियस हर्ट करता है डेंजरस वेपन से, तो उसको 10 साल तक की सज़ा और साथ ही साथ फाइन से पनिश किया जाएगा। दोस्तों ये थे 319, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 यानी कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। इसी के साथ साथ हम बात बताएंगे आपको दो ऐसे सेक्शन की जिनको साल 2013 में ऐड किया गया अमेंडमेंट करके, यानी कि सेक्शन 326 ए और सेक्शन 326 बी। क्या है 326 ए और 326 बी, इसकी बात करते हैं। तो सेक्शन 326 ए बात करता है वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज़ ऑफ एसिड। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एसिड का इस्तेमाल करके किसी को ग्रीवियस हर्ट करता है तो ये बताया गया है इस वाले सेक्शन में, जिसमें बताया गया है कि उसको 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें सेक्शन 326 बी की तो ये बात करता है वॉलेंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। यानी कि अगर कोई थ्रो करता है एसिड किसी के ऊपर या अटेम्प्ट करता है, दोस्तों 326 ए जो बात कर रहा है वो एसिड अटैक की बात कर रहा है, वहीं अगर हम बात करें 326 बी की तो अटेम्प्ट की भी बात कर रहा है यानी कि अटेम्प्ट टू एसिड अटैक। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी सज़ा है 5 साल से 7 साल तक की सज़ा और ऑल्सो लाइबल टू फाइन, यानी कि फाइन से भी उसको पनिश किया जाएगा। तो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की इस वीडियो में हमने समझा हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, साथ साथ हमने दो मेन अलग से सेक्शन भी उठाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। धन्यवाद।